आज आफ्टर 7:30 के बाद एक ट्रक एंड ड्राइव फारूक नगर डिपो के पास ट्रक एंड ड्राइव चल रहा है अभी। इसमें अभी तक फिलहाल दो ऑटो और 8 बाइक किए ट्रक एंड ड्राइव में। ट्रक एंड ड्राइव अपन इतने करे तो भी फिर भी पब्लिक में ये चेंजेस नहीं आया। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं और ये ड्रंक एंड ड्राइव हर एक जगह चल रहा है। ठीक है, गाड़ी मत चलाओ बोल के हर एक अवेयरनेस प्रोग्राम में बोल रहे हैं। बोलते बोलते परसों भी DC साहब भी बोले पब्लिक में ये ड्रंक एंड ड्राइव ऐसा चीज़ है जिससे खुद को प्रॉब्लम है मगर दूसरों को भी प्रॉब्लम होता है। इससे जो रोड पे आम पब्लिक जाती है उनको जनता जो गेस्टिंग करेक्ट नहीं रहे के गाड़ी चलाने से इसमें दूसरे फैमिलीज को भी चोट लग के उनको क्या बोलते हैं नुकसान पहुँचा जाए। विश्वास से एक ही बात बोलने का है कि अपना सेफ्टी देख लेना और पब्लिक का भी सेफ्टी देख ले के गाड़ी कभी भी अपन ड्रंक किए जब गाड़ी को छीने का नहीं है जिससे अपन को फायदा अपन भी नुकसान गाड़ी का से घूमना फाइन भरना और ये पूरा उसके कुछ हुआ तो भी खुद को नहीं भी दूसरों को भी चोट पहुँचा जाए। इस वास्ते मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये ड्रंक एंड ड्राइव चलते रहता कभी भी हैदराबाद में ड्रंक एंड ड्राइव तो कंपलसरी रहेगा। इस वास्ते सभी जो भी है अपने कितना इमरजेंसी भी रहें दो या कैब या ऑटो या दूसरे उससे भी लेके अपना क्या बोलते पीने के बाद अगर पी लिया तो सडनली कुछ फंक्शन में पी लिया तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ यूज़ कर लेना मगर किसी हाल में ड्रंक ड्राइव अभी तक मैक्सिमम कम हुआ ड्रंक एंड ड्राइव में दूर दोनों मगर नज़दीक समझ के यहीं पर चला ना घर के बाजू ना बोल ऐसा बोल के भी गाड़ी पीने के वास्ते नहीं निकाले। एज पर द रूल ऑफ ट्रैफिक अगर ड्रंक एंड ड्राइव में एक से दो मरतबा अगर पकड़े जाएंगे तो उसके लिए क्या है? अभी सेकंड वायलेशन में मजिस्ट्रेट तो उनको कंपल्सरी उनको 2-3 दिन जेल भी जाएगा कन्विक्शन गिर रहा उसमें 1 डे 2 डे 6 डेज 1 वीक ऐसा कन्विक्शन उसके बाद भी अगर नहीं सुधरे तो क्या मैक्सिमम तो कम आ रहे वैसा तो मैं देखा तो कहीं 1-2 केसेस मिलेंगे मैं तो 3-4 महीने में 1-2 केसेस मिलेंगे तो उससे हैवी पनिशमेंट हो तो कुछ मिलेगा वो तो अभी 1 मंथ होता उसके बाद में अभी एनहेंस होता पनिशमेंट विल बी एनहेंसिंग उससे आदमी को सुधारना चाहिए ना।